अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आतिफ सुहेल और आप देख रहे हैं बुसाल टीवी। आज जिस शख्सियत की बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, इंतहाई खूबसूरत जोड़ी थी। पता नहीं उनको क्या हुआ, नज़र लगी या क्या हुआ, उनके दरमियान बहुत दिलचस्प सवालात जवाबात एक इंटरव्यू में हुए। जो चंद मखसूस पॉइंट थे वो मैंने पकड़े हैं, जो मैं आपको वन बाय वन आपके सामने पेश करूँगा कि फरह ने अपने हस्बैंड से, जो उनका एक्स हस्बैंड है, उनसे क्या सवालात किए थे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियोस के लिए घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, जिससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नाज़रीन, हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू दिया है इकबाल हुसैन ने, फरह हुसैन उसको होस्ट कर रही थी। तो उसमें फरह हुसैन ने इकबाल हुसैन से चंद ऐसे सवालात किए हैं जिनको मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, लेकिन वो मैं इंटरव्यू चला तो नहीं सकता क्योंकि कुछ यूट्यूब पे ऐसे इश्यूज होते हैं कि मैं उनको लाइव नहीं चला सकता, लेकिन मैं एक एक सवाल और एक एक जवाब आपके सामने रखूँगा। फरह हुसैन इकबाल हुसैन से फर्स्ट सवाल करती हैं, मोहब्बत क्या होती है वैसे? इकबाल हुसैन उसका जवाब देते हैं, मैं मोहब्बत पर भरोसा नहीं करता, ये सब झूठ है। फरह हुसैन अपना दूसरा सवाल करती है, मुझसे की हुई पहली मुलाकात याद है, कब मिले थे हम? इकबाल हुसैन एक ड्रामा शूट कर रही थी, आप शायद जाहिर नाम था ड्रामे का, उस ड्रामे में शायद हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे कन्फर्म याद तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हम वहाँ पे मिले थे। तो फरह हुसैन तीसरा सवाल करती है, आपने जो मेरे साथ शादी की थी वो लव थी या अरेंज? इकबाल हुसैन कुछ लम्हे के लिए खामोश होते हैं, फिर कहते हैं ऑफ कोर्स लव ही था, तभी तो आपसे शादी की है। फरह हुसैन का चौथा सवाल, क्या अब भी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? इकबाल हुसैन का खूबसूरत जवाब, बेशक मैं करता हूँ, मेरे में से जो आपके दो बेटे हैं उनको कभी देखा है आपने? आप कहती हो अक्सर तुम अब्दुल्ला से ज़्यादा प्यार करते हो और अब्दुर्रहमान से प्यार करते हो, मोहब्बत तो मैं आपसे करता हूँ, वो दोनों मेरी आंखें हैं, उन आंखों से मैं आपको देखता हूँ। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसे सवालात थे जो बहुत मतलब एक दूसरे को करीब से करीब तर होने के बाद उनमें डाइवोर्स होती है, तो इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है। मैं कभी तफसील से इस पे वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या रीज़न थी इनकी जो डिवोर्स हुई है। तो उम्मीद, ये एक छोटा सा क्लिप जिसमें मैंने इंतहाई इंटरेस्टिंग इनकी कंजर्वेशन आपके सामने पेश की, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंतहाई अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए बुसाल टीवी, इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।